बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फातमा जिनाब वुमन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के अंदर स्प्रिंग एडमिशन का ऐलान हो चुका है। यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं और इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, फुली तरीक़ाकार आपको इसी वीडियो के अंदर गाइडलाइंस दी जाएगी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, इसको लाजमी ज्वाइन कर लें। इसके अंदर डेली बेसिस पे जॉब्स अपडेट, पास्ट पेपर, गेस्ट पेपर, यूनिवर्सिटीज एडमिशन, स्कॉलरशिप, हर तरह की इसके अंदर अपडेट शेयर की जाती है ताकि आपको घर बैठकर आसानी से मिल सके। इसके बाद आज हम बात करते हैं फातमा जिनाब वुमन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के अंदर, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और एस्टेब्लिश हुई थी 1998 के अंदर। और यहाँ पे प्रोग्राम्स जो हैं मेडिकल के प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। सबसे पहले हमने इसके एडवर्टाइजमेंट देखनी है और यहाँ पे देख सकते हैं फातमा जिनाब वुमन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के अंदर एडमिशन एडवर्टाइजमेंट एमएस एमफिल पीएचडी के प्रोग्राम्स स्प्रिंग एडमिशन 2024 के ओपन किए जा चुके हैं। यहाँ पे फातमा जिनाब वुमन यूनिवर्सिटी ऑफर फॉर दी एमएस एमफिल पीएचडी प्रोग्राम्स कंसिस्ट विद दी हायर एजुकेशन कमीशन एचईसी क्राइटेरिया फॉर दी प्रोग्राम्स रिक्वायर फुल टाइम स्टूडेंट्स एनरोल फॉर दी कोर्स ऑफ दी वर्क। यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, एमएस डिग्री लेवल प्रोग्राम्स जो कि मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, जनरल स्टडी, इंटरनेशनल रिलेशन, इस्लामिक स्टडी, फिजिक्स, पब्लिक मैनेजमेंट, एमएस पब्लिक पॉलिसी एंड सोशियोलॉजी, मास्टर ऑफ साइंस एंड बिजनेस, मास्टर इन साइंस एंड अकाउंटेंट। इसके अलावा पीएचडी के प्रोग्राम्स यहाँ पे देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एजुकेशन, मैथमेटिक्स, पब्लिक मैनेजमेंट, उर्दू जुबान अदब के प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफर किए जा चुके हैं। और नोट क्या है, एमएस एमफिल क्लासेस इन एनी डिग्री प्रोग्राम्स विल नॉट बी इनिशिएट द नंबर ऑफ एनरोलमेंट स्टूडेंट्स इज लेस देन 5.02 कोटा इन द रिजर्व ईच फॉर द डिसेबल्ड पर्सन एंड द माइनॉरिटीज। For detailed advertisement will be eligible criteria and the recording for the further process of www.fjwu.edu.pk की वेबसाइट के ऊपर जाके आप लोग देख सकते हैं। लास्ट डेट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द सबमिशन 15 जनवरी 2024 को इसकी लास्ट डेट है जो कि अप्लाई करने की है। इसके अलावा किस तरह से आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफर किए जा चुके थे जो कि आप लोगों को दिखाई है। इसके अलावा सबसे पहले हमने बात करनी है फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट एंड डॉक्टरेट के, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिसके अंदर आपने एडमिशन लेना है तो उसी को आपने क्लिक करके अपना जो है वो मतलब के फीस स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हैं। और इसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एम फिल साइंस के अंदर आप लोगों ने एडमिशन लेना है या मैं एडमिशन ले रहा हूं, तो इसके अंदर मैंने सिंपल इसको क्या करना है, सर्च आउट करना है। तो जैसे ही इसको सर्च किया तो यहां पे इसकी अमाउंट देखें, यहां पे अमाउंट आ चुकी है और इसकी टोटल फीस भी यहां पे मेंशन की जा चुकी है कि इसकी टोटल फीस यहां पे कितनी है और सेमेस्टर फीस कितनी है और ट्यूशन फीस कितनी है। और टोटल यहाँ पे 87,283 रुपये इसकी सेमेस्टर की फीस है। इसी तरह से जो कि एम फिल किया है आप लोग फुली तरीक़ाकार के अंदर आप लोग यहां पे देख सकते हैं। ये लिंक्स भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, वहीं से क्लिक करके आप फर्दर जो है एक एक जो है अपना प्रोग्राम्स के हिसाब से अपनी फीस स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी अप्लाई का तरीक़ाकार के किस तरह से इसकी अप्लाई है और यहाँ पर प्रोग्राम्स ऑफर किए जाने वाले जो कि आप लोगों को दिखाई है। और इसका टेस्ट जो है वो जो कि टेस्ट जो है वो नेट और गैट टेस्ट जो है वो जनरल लेते हैं। यहाँ पे देखें एनटीएस की जानब से जो कि रिक्वायर्ड है वो टेस्ट जो है वो एक्सेप्टेबल है। अगर स्टूडेंट्स इसकी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं और आपको कम्प्लीट गाइडलाइंस दी जाएगी और आपकी प्रिपरेशन विद इन 10 डेज में करवाई जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी अप्लाई के ऊपर, इसकी अप्लाई किस तरह से है। ये इसके मेन पेज के ऊपर आ चुके हैं। इसकी अप्लाई जो है वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं है बल्कि ऑफलाइन अप्लाई है। और इसका प्रॉस्पेक्ट जो कि मिलता है यहाँ पे देखें 1000 का इसका प्रॉस्पेक्ट है और 100 इसके एडिशनल चार्जेज हैं जो कि आपको अदा करने होंगे। और इसका फॉर्म जो है वो कहाँ से मिलेगा, ये फॉर्म यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फातमा जिनाब वुमन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद मतलब के रावलपिंडी के अंदर। और यहाँ पे प्रोग्राम्स फॉर एम एस एम फिल पी एच डी के प्रोग्राम्स यहाँ पे 2024
फॉर द डिग्री अप्लाइड टिक द वन ऑफ द बॉक्स, जिसके अंदर आप लोगों ने एडमिशन लेना है सिंपल आपने उसी को टिक कर देना है। फॉर एग्जाम्पल एमएस के अंदर लेना है तो एमएस को टिक करेंगे, एमफिल के अंदर ले रहे हैं तो एमफिल को टिक करेंगे, पीएचडी के अंदर ले रहे हैं तो पीएचडी को ही टिक करेंगे। इसके बाद फर्दर आपने यहाँ पे अपनी डिटेल पुट करनी है, नेम, फादर नेम, नेशनैलिटी, रिलीजन, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, डोमिसाइल, प्रोवाइंस, इसके बाद होम एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, टेलीफोन नंबर, हॉस्टल फैसिलिटीज और उसके बाद स्पेशल डेटाबेस, ये सारा आपने यहाँ पे अपना एकेडमिक डिटेल आपने पुट करनी है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना चलान जो है यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस भी लिखना है और इसको आपने प्रिंट कर लेना है, प्रिंट करवा के ये चीज ये फॉर्म जो है आपने वहाँ पे जाके अपना जो है ये सबमिट करवा देना है, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये इसके साथ रिक्वायरमेंट जो कि चीज़ें हैं यहाँ पे बताई गई हैं, ये चीज़ें आपने साथ अटैच करनी है, मैट्रिक, एफएससी जो भी प्रोग्राम्स है यहाँ पे अपने अटैच करके ये पूरा पेज जो है आपने जाके वहाँ पे सबमिट करवाना है और इसका चलान भी आप लोगों ने पे करवाना है। ये तरीका कार है फातिमा जिनाह वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के अंदर अपने एडमिशन को कंफर्म करने के लिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स की अगर कोई क्यूरीज है या कोई क्वेश्चन है तो देन भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कर दीजिए, आपको जैसे ही फ्री होगा तो फौरन आपको रिप्लाई करूंगा। ये लिंक्स भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, वहीं से आप जो है ये फॉर्म जो है ये डाउनलोड कर सकेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।